न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी की समाजी और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद समर के मरहूम ससुर शुजात अली खान का स्वयं मुनाकिद हुआ। कुरान फातिहा खवानी में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत मोहम्मद समर के ससुर मरहूम शुजात अली खान का सोयम ब्रुकलिन के इलाके में कायम जामे मोहम्मदिया रिजविया में हुआ। सोयम में कम्युनिटी से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और मरहूम की रूह के इसाल सवाब के लिए कुरान खवानी में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर तिलावत कुरान मजीद भी की गई। बातजान आत्मानों ने बारगाह रिसालत में गुलहाय अकीदत पेश किए। इमाम ने अपने बयान में मौत की हकीकत को बयान करते हुए कहा कि मौत बरहक है और हर नफ्स को इसका मज़ा चखना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पहले मौत का जिक्र किया है, इसके बाद हयात की बात की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को बनाया है ताकि परखे तुम में से उन लोगों को जो अच्छे अमाल करता है। इस मौके पर मरहूम शुजात अली खान की मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करवाई गई। सोयम में मोहम्मद समर के अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब के अलावा मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। इलाका पुलिस के अफसरान ने भी मोहम्मद समर के ससुर के इंतकाल पर तासियत की और पुरसा दिया।